हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है आपके सामने केमिस्ट्री का टर्म टू का 11th क्लास का स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि सब्जेक्टिव, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आए हैं। तो हम इसमें जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ही आंसर्स आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो एमसीक्यू होंगे, वो आप कर ही लोगे। तो हम इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दिखा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका जो शुरू होता है वो 11 से लेकर 20 तक है। तो आप देख सकते हो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन होता है, जो वो जेड इज इक्वल टू 1 के इक्वल हम लिखते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस के लिए। और गे-लुसक्स लॉ जो 12th क्वेश्चन है हमारा, उसमें प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट मास एंड वॉल्यूम जब कॉन्स्टेंट हो, तो हम इसको P1 over T1 इज इक्वल टू P2 upon T2 लिख सकते हैं। नाउ इस कॉस्टी क्या होती है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन अ फ्लूड, चाहे वो लिक्विड है चाहे गैस है, टू चेंज इन अ शेप और अ मोमेंट ऑफ नेबरिंग पोर्शंस रिलेटिव टू वन अनदर, इसको विस्कोसिटी बोलते हैं, जो कि फ्लूड में रेजिस्टेंस का काम करती है। अब नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, जिसमें हम पहले लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 7/28। 7 इसका हमको गिवन मास है, 28 इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1/4 या 0.25 भी आप इसको बोल सकते हो। नाउ प्रेशर का फॉर्मूला आप जानते हो, nRT/V के इक्वल होता है। तो इसमें ये वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, n हमारे पास आ चुके हैं 1/4। नाउ रियल गैस कांस्टेंट हमारे पास 0.0821 के बराबर है, और 24 डिग्री सेल्सियस जो हमको टेम्परेचर दिया है उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, और वॉल्यूम हमको गिवन है 8.4 लीटर, और उसको हमने डिवाइड में लिख लिया उसके। तो उसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 0.725, ये हमारे पास प्रेशर आ जाता है उस गैस का, एंड टू गैस का। नाउ 15th क्वेश्चन हमारे पास SI यूनिट ऑफ ए गैस कॉन्स्टेंट जो होती है वो जूल पर केल्विन पर मोल के इक्वल होती है। तो ये 15th क्वेश्चन का आंसर है हमारा। 16th है हमारे पास, द नो द लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड बिकॉज दीज गैसेज रेडली कंबाइन टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दीज लॉ कैन बी अप्लाइड ओनली टू द नॉन रिएक्टिंग गैसेज। जो ये लॉ इसमें अप्लाई नहीं होता, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है जो बहुत रेडली आपस में कंबाइन कर जाते हैं, जबकि इसमें हमको ऐसे गैसे चाहिए होते हैं जो नॉन रिएक्टिंग हो। नाउ 17th क्वेश्चन का आंसर है, बिकॉज इन समर ड्यू टू अ हाई टेम्परेचर द एयर एक्सपैंड एंड हैंस टू अवॉइड एनी टायर बर्स्ट द प्रेशर इज कैप्ट लेस इन समर। क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण एयर एक्सपैंड करती है, जिस कारण टायर जो है फट सकता है, तो समर में है जो वो टायर का प्रेशर कम ही रखना चाहिए। नाउ डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैस, तो रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस बताना है हमने। तो द पार्टिकल्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड अ मास, ये तो हमारा रियल गैस के बारे में, और आइडियल गैस है द पार्टिकल्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड अ मास। द कोलिजन बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉन इलास्टिक, एंड द कोलिजन बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक। नाउ 19th क्वेश्चन है हमारा, द आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है वो कैसे ड्राइव करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इसको मैथमेटिकली लिखेंगे, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और कंबाइनली इसको हम लिखेंगे पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/V, और इसको रीअरेंज करके PV = nRT हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है जो बन जाती है। नो इसके बाद हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपका, जिसमें हमको V1 वॉल्यूम गिवन है 500 cm³, और हमको V2 गिवन है 260 cm³, T1 हमको गिवन है 373 केल्विन, एंड T2 हमने कैलकुलेट करना है। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं V1/V2 = T1/T2 के इक्वल होता है। तो इसमें वैल्यूज पुट फिल कर देंगे, 500/260 नाउ इक्वल टू 373/T2। हम इसको T2 को कैलकुलेट करने के लिए हमको वैल्यूज़ को रीअरेंज करेंगे, तो हमारे पास 193.96 केल्विन है जो इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था क्लास 11th का केमिस्ट्री का स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में से सब्जेक्टिव पोर्शन, हमने इसमें सॉल्व करके दिखाया क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। तो आई होप इससे आपको बहुत हेल्प हुई होगी। तो ओके स्टूडेंट्स, बाय।